भिवानी में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से सीबीएल यूनिवर्सिटी में एकत्रित होकर तमिलनाडु सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और तमिलनाडु सरकार का यूनिवर्सिटी गेट पर पुतला फूंका। उनका आरोप था कि तमिलनाडु के जंगूर शहर में लावण्या नामक हिंदू लड़की पर दूसरी विसंजियों की ओर से धर्मांतरण के लिए दबाव बनाया गया, जिसके चलते उसने आत्महत्या कर ली। इसी के विरोध में प्रदर्शन कर पुतला फूंका गया ताकि उसे न्याय मिल सके। प्रदर्शन कर रहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक अंशु ने बताया कि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता निधि त्रिपाठी ने इसके खिलाफ तमिलनाडु में प्रदर्शन किया था, उन्हें हिरासत में ले लिया गया। उन्होंने कहा कि आज 5 दिन हो गए हैं, निधि त्रिपाठी को रिहा नहीं किया गया है, उन्हें रिहा किया जाए और लावण्या को तमिलनाडु सरकार न्याय दे। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बड़ा विरोध प्रदर्शन करेगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भिवानी इकाई के द्वारा चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पे तमिलनाडु सरकार का पुतला तो हमने फूंका है पूरी विद्यार्थी परिषद की टीम ने। वो इसलिए कि तमिलनाडु के तंजावुर शहर में एक लावण्या नाम की लड़की थी जो कि हिंदू धर्म से संबंधित थी, उसको दूसरी मिशनरियों ने ना उसको इतना धर्मांतरण के दबाव बना दिया गया कि वो आत्महत्या के लिए मजबूर कर दी। वंदे मातरम्।